क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है मतलब की फाइंड करना है एम वन से एम टू। एक लाइन दिती हुई है, पॉइंट देते हुए ना कहड़ा क्वेश्चन? 7.2 द 4th, -3.10, ते दूजा पॉइंट दिता है 6.-8। सर थोड़ी वीडियो नहीं शो हो रही है। हो फिर और की शो हो रहे, रही है सर। आ रही है इंद्र? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आ रही है सर। थोड़ा ऊपर लिखे आ रहा है योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। कनक क्लियर है राजे, वीडियो की दिक्कत है? रेड आ रहा है पूरा सर सिग्नल। सर क्लियर है ये लिखे आ रहा है ध्रुव। ध्रुव राजे लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले। तो आगे सर होना ही है, होना ही है। आगे 2 पॉइंट देते हो इन्हें, -3.10 ते 6.-8। इज डिवाइडेड बाय, इन्हें एक पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, -1.6, -1.6। उन्हें जोड़ा पॉइंट है किसी ना किसी रेशो चा डिवाइड करेगा ना, पी पॉइंट ले लेने, हो सकता है 1:1 च करे, हो सकता है 2:5 च करे, तो ये पॉइंट किसी ना किसी रेशो इस लाइन में डिवाइड करेगा, तो उन्हें वही रेशो फाइंड करनी है। तो बड़ा ही सौखा क्वेश्चन है, था मतलब M1 से M2 पता करना है आपको, तो या तो आह वाला पॉइंट यूज कर लो या आह वाला पॉइंट यूज कर लो, तो इच्छा है। तो सानू पता है एक्स एक्स किस दे इक्वल होंगे, M1 × X2 + M2 × X1 / M1 + M2। तो असी एक्स की वैल्यू यूज कर लेने, चाहे वाई यूज कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलो एक्स वाला यूज कर लिया। एक्स किस दे इक्वल होंगे, M1, इन्हों M1 M2 ही रख देने नाम यदा, M1 × 6, तो 6M1 हो जाएगा है, +M2 × -3, तो -3M2 हो जाएगा, अपॉन अपॉन की आ जाएगा M1 + M2। ठीक है, तो -1 = 6M1 - 3M2 / M1 + M2। उस तो बाद की करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एवं तो करते होंने आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने, तो M1 + M2 जड़ा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 नाल, ते 1 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा 6M1 - 3M2। तो जो मैं इसनों -1 नाल मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, -M1 - M2, तो यह सेम ही रहेगा, 6M1 - 3M2। हूँ M1 वाले एक साइड कर लेने, M2 वाले एक साइड कर लेने, आ भी M1 है, आ भी M1 है, आ भी M1 है, आ भी M1 है, तो इन्हें इधर ले आओ, -M1 - 6M1, ये M2 है, -3M2 + M2, कितना हो गया है, -7M1 = -2M2। माइनस नाल माइनस कट गया है ना, की बच गया 7M1 = 2M2 बच गया। अपने रेशो फाइंड करनी है M1 ते M2 दी, तो M2 ये नीचे ले आओ, M1 / M2 = 2, 7 ये नीचे ले आओ, तो M1 / M2 कितनी बन गई, M1 / M2 कितनी बन गई, 2:7। आंसर यही है, चेक करिए, देखो आंसर भी यही है। तेरे एक बार दिखाना हो कॉपी वाला ही। कनक क्लियर है, समझ आ गया? यस ध्रुव, उतार लिया?
हां जी सर ठीक है। ते होर केड़ा क्वेश्चन है तोड़ा फिफ्थ 7.2 दा चलो 7.2 दा फिफ्थ करवा रहे हैं हूँ जिन्हें प्रैक्टिस की होगी उसके डाउट होंगे सारे के थोड़ी होंगे। क्वेश्चन की है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग दिस 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 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखिए की कह रहे हैं एक्चुअल च अगर मैं इनू ड्रॉ करके देखा वैसे ड्रॉ नहीं करना दो पॉइंट ने एक 1, -5 1, -5 इतने कितने आएगा एक हैगा -4, -5 -4, -5 ये इतने कितने आएगा इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हूँ इन्हों पहले ज्वाइन कर देने एक लाइन बन गई इस इस लाइन में एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट की होंगे x,0 दसिया होना है अगर एक्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस से पॉइंट है तो x,0 होंगे अगर वाई एक्सिस से पॉइंट होंगे तो 0,y होंगे ये मैं थोड़ा पहली एक्सरसाइज दसिया तो हूँ यह पॉइंट कौन सा -4,5 यह पॉइंट सी 1,-5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो पता की करना है फाइंड द रेशो एक तो m1 m2 पता करना है ऑलसो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स तो दो क्वेश्चन ने अपने एक तो m1 m2 पता करना है एक ए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो बड़ा सौखा क्वेश्चन है। तो हूँ देखो जो m1 m2 पता करना हो फॉर्मूला तो ही होंगे m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 एक वाई वाला फॉर्मूला होंगे m1 × y2 प्लस m2 × y1 / m1 + m2। हूँ मेरे को x1 x2 y1 y2 सब हैगा बट दिक्कत यह है कि मैं ए वाले फॉर्मूले m1 m2 कड़ा कि आ वाले फॉर्मूले m1 m2 कड़ा इतने तो इतने का कोई प्रॉब्लम जोड़ा पिछला क्वेश्चन सी उ तो जो मर्जी असं यूज़ कर सकते थे क्यों क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू -1 भी सी तो वाई की वैल्यू 6 भी सी करके मैंने आ वाला फॉर्मूला लगाता सी चाहे तुम वाई वाला भी लगा सकते हो क्योंकि मेरे को आ वाली एक्स की वैल्यू हैगी सी आ देखो -1 बट इतने मेरे को एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं तो फिर अगर मैं आ वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो थोनू नहीं लगता फॉर्मूले च एक्स भी आ जूगा फॉर्मूले च m1 भी आ जूगा फॉर्मूले च m2 भी आ जूगा फिर m1 m2 तो निकलूगा ही नहीं इस करके मैं आ वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं हैगी एक्स एक्सिस है ना तो मैं आ वाला फॉर्मूला लगा देना क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल टू m1 × y2 y2 कितना -5 प्लस m2 × y1 y1 कितना 5 अपॉन m1 + m2। तो फिर अगे की करिए चलो देखिए एक इन्ना हो गया -5m1 + 5m2 अपॉन m1 + m2 तो अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दा तो यह -5m1 ते m2 1 नाल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यह दोनों 0 नाल मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 नाल मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही आ गया जो ये 0 नाल मल्टीप्लाई होएगा तो हूँ 5m2 उधर ले जा -5m1 इज इक्वल टू -5m2 माइनस नाल माइनस कट गया 5 नाल 5 कट गया तो m1 किस दे इक्वल आ गया m2 दे तो रेशो रेशो दस सकते कोई रेशो कितनी आई फिर जे m1 m2 दे इक्वल है हाँ 1:1 शाबाश तो m1 अपॉन m2 इधर की रह गया 1 1 दे नीचे 1 होंगे तो m1:m2 कितना आ गया 1:1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਬਾਈਸੈਕਟਡ ਸੀਗੇ 1:1 ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਜੋ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਬਾਈਸੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ध्रुव नहीं दस सकता तू
नोट कर लो जे करना है इसनु, ते एक्स कट दो। यार कमाल दी गल है, ध्रुव भुल गया, मैं थोनू दस्या सीगा अगर एक आ लाइन है, आ लाइन है, अगर एक आ पॉइंट दिता हो, ए पॉइंट दिता है, अगर बी पॉइंट दिता है, आ सी पॉइंट दे मिड दे विच है, तो मिड मिड की एक्स का एक्स की वैल्यू कि इक्वल होएगी, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू दे इक्वल नहीं होंगी है, फिर आ मिड ही तो हैगा, ये मिड मिड ही तो हैगा, तो आह एक्स किस दे इक्वल होएगा, माइनस थ्री बाय टू, तो आह वाला एक्स किस दे इक्वल होएगा, माइनस फोर प्लस वन बाय टू, तो एक्स माइनस थ्री बाय टू, हाँ देखो माइनस माइनस थ्री बाय टू, तो एक्स माइनस थ्री बाय टू है, तो रेशो कितनी है, रेशो भी दी होगी इतने, आ सी रेशो, रेशो वन है, यही ना स्कूलों के बीच जो मैं तुम्हें करवाया है, ये जिवें हुण मेरे को सोल्यूशन बुक है, सोल्यूशन बुक च ना के की हैल्प नाल कर देने, देखो के आ देखो आ भी उप उपरला क्वेश्चन भी बड़ा घुमाया होया इन्होंने, होर ही तरीके किया हो, तो तुम के नहीं लैना है, जोड़ा मैथड मैं करवाया थोड़ा उस तरीके करना है, के लैके उलझ जाता बंदा, स्कूल के भी के नाल करवाते हैं, कोई लोड़ नहीं हैगी के वाले मैथड ना करन दी, ठीक है, आई वाला मैथड रखना है, तुम नोट कर लो। है की कह रहे हैं, दसवां नहीं आंदा, ये कौन बोल, इंदर प्रैक्टिस कितनी सी तू, सर टेंथ नहीं हो रहा सर, टेंथ तो मैं करवा देना, टेंथ तो सौखा है यार, ठीक है नोट कर लिया, करवा दा अगे सर, बस डायग्राम बना के हाफ हाफ करके प्लस कर देंगे फिर, देखो जी क्वेश्चन की है, क्वेश्चन ये है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस दिस दिस, पहली गल तो रोम्बस की चीज होंगी है, कोई दस सकता है रोम्बस की होंगे, स्क्वायर जैसा होता है बस उसकी साइड टेढ़ी होती है, स्क्वायर जैसा होता है उसकी साइड टेढ़ी होती है, यस सर, अच्छा इट लुक्स लाइक स्क्वायर बट इट्स साइड्स आर टेढ़ी, कितनी शेप होता है, की होता है दिव्यांशु बोल, दिव्यांशु बोल रहा, बहुत वधिया बोल रहा, दिव्यांशु ने बहुत वधिया आंसर दिता है, दिव्यांशु हैरान आ मैं यार, तू बहुत इंटेलिजेंट हो गया घर बैठ के, देखो रोम्बस, ओए आ कौन बोल रहे पीछे, रोम्बस, पहली गल तो रोम्बस कुछ एवं दी होंदी है, एदियां सारियां साइड्स इक्वल होंदियां ने, वन टू चार साइडां होंदियां ने ना, क्वाड्रिलेटरल होंदी है, चारों साइड इक्वल होंदियां ने, दूजी गल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਰਕ ਵੀ, ਆਹ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਮਬਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ 90 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 90 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਰੋਮਬਸ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਰੋਮਬਸ ਅਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰੋਮਬਸ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ
एंगल बाइसेक्टर वर्ड सुने है कदे? एंगल बाइसेक्टर यस सर। रोम्बस दे विच भी जिहड़े डायगोनल हुंदे ने एंगल बाइसेक्टर हुंदे ने मतलब आ एंगल इस दे इक्वल हुंदा है, आ एंगल इस दे इक्वल हुंदा है, आ एंगल इस दे इक्वल हुंदा है, आ एंगल इस दे इक्वल हुंदा है। स्क्वायर दे विच भी एंगल ने जिहड़े डायगोनल ने जिहड़े वो एंगल बाइसेक्टर हुंदे ने, आ एंगल इस दे इक्वल हुंदा है, आ इस दे मतलब चलो मैं ये भी कह सकदा कि स्क्वायर च आ वाला एंगल भी 45 होएगा, आ भी 45 होएगा, आ भी 45 होएगा, आ भी 45, आ भी 45, आ भी 45, 45 45 क्यों? क्योंकि सानू पता है वीक एंगल 90 होंगे तो बाइसेक्टर 45 ही होएगा। रोम्बस एंगल कुछ भी हो सकते हैं, जे हा जे 30 है तो 15 15 हो गए, जे 60 है तो 30 30 हो गए। समझ आ गई गल? तो रोम्बस का ना एक रोम्बस का की होंगे एरिया का फॉर्मूला की होंगे किसी भी पैरलेलोग्राम का, पैरलेलोग्राम किसी भी पैरलेलोग्राम की टाइप होंगे ना, स्क्वायर भी पैरलेलोग्राम की टाइप है, रिकटेंगल भी पैरलेलोग्राम की टाइप है, तो रोम्बस भी पैरलेलोग्राम की टाइप है। तो इन्हों का एरिया की होंगे वैन डायगनल गिवन होन, वैन डायगनल, वैन डायगनल्स आर गिवन, तो फिर इन्हों का एरिया पता की होंगे, स्क्वायर का एरिया, रिकटेंगल का एरिया, रोम्बस का एरिया, एरिया की होंगे हाफ इंटू डायगनल वन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। तुसी कहोगे स्क्वायर का एरिया तो जी साइड बाय साइड होंगे, रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होंगे, हाँ वो होंगे, बट अगर डायगनल नहीं दिते हुए तो असं ओवला फॉर्मूला लगाने होंगे, जो साइड्स गिवन होंगे ने उदो ओवला फॉर्मूला लगाने, जो डायगनल गिवन होंगे ने उदो आवला एरिया होंगे। ठीक है, हूँ जो साडा क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, ये सानू पॉइंट दिते हुए हैं 3,0 ए पॉइंट, बी पॉइंट हैगा 4,5, सी पॉइंट हैगा -1,4, तो डी पॉइंट हैगा -2,-1। ठीक है, आप पॉइंट दिते हुए हैं, एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड कर ली, मैंने डायगनल चाहिए, डायगनल वन चाहिए, डायगनल टू चाहिए, डायगनल वन तो डायगनल टू चाहिए ने। कि मैं आह डायगनल वन की लेंथ नहीं कढ़ सकता, कि मैं डायगनल टू की लेंथ नहीं कट सकता, दस सकता कोई बच्चा दिमाग लगा के किमें कढ़ा गे? फॉर्मूला वो जो हाफ फिर उसके बाद एक लाइन फिर सर एक्स वन या ब्रैकेट में वाई टू माइनस है था जैसे वाई टू माइनस वाई थ्री आवला आवला नो सर सर एक मिनट दिखाता हूँ हाँ जी सर यही लेना नहीं होएगा एदे नाल होएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली एक्सरसाइज पर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं किया सीगा डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ही दसदा लेंथ ही दसदा। हुण अगर मैं बी ते डी दी लेंथ पता करनी है तो बी डी दी लेंथ किदे इक्वल होएगी एक्स टू माइनस एक्स वन दा स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन दा स्क्वायर। अगर मैं ए सी दी लेंथ पता करनी है तो की होएगी एक्स टू माइनस एक्स वन दा स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन दा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दो थोड़े कोले बी डी की लेंथ भी आ जाएगी ए सी की लेंथ भी आ जाएगी, जे दोनों की लेंथ आ गई फिर फॉर्मूला लगा दियो। समझ में आया? Yes, sir. कर दो फिर, यू हैव 5 मिनट्स स्टार्ट्स। नोट कर लो जे करना। आज चैप्टर खत्म है अपना, ही तीन चैप्टर हो गए अपने।
24 आंसर आ रही है। यस हो गया है। चलिए अगे। सेवन पॉइंट वन, सेवन पॉइंट टू, सेवन पॉइंट थ्री, कोई भी डाउट है पूछ लो। होनी ओए ब्रह्म उच्ची बोलिया करो तू। है 7.3 द फिफ्थ सम। 7.3 द फिफ्थ यार करवाता मैंने ये। ओ सर कल सर नेटवर्क प्रॉब्लम करके समझ नहीं। कोई नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा लेक्चर, तन्नू लिंक भेज दंगा उच देख ली। ओके सर और दसो। चलो मतलब हो गए तोड़े सारे। ओके गुड है। हुन एक क्वेश्चन कर दो बस, अपा ऑप्शनल एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन करना है। ओ केड़ा हैगा 7.4 एक्सरसाइज खोलो, 7.4 दा सेकंड क्वेश्चन करना है बस, और ऑप्शनल जो कोई नहीं करना, ये जो कोई नहीं आंदा। आइडिया दो किवें करांगे। कोलीनियर दस्या सीगा ना, थर्ड एक्सरसाइज चीको कोलीनियर वाला क्वेश्चन सीगा। अगर तीन पॉइंट कुलीनियर होंगे ने तो यह मतलब उसका एरिया कितना होंगे। बोलो जीरो। हाँ बस उम्मीद करांगे। आ देखो करना की है, सानू तीन पॉइंट दिते हुए ने x, y, 1, 2, 7, 0। कहते तीनों पॉइंट कुलीनियर ने, तब फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक गल ध्यान रखियो, जो भी क्वेश्चन चाहिए दिता होंगे ना फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमेशा आंसर एक्स ते वाई दी फॉर्म च ही आता होंगे। तो तुसी की करोगे एरिया वाला फॉर्मूला लगा के उन्हें इक्वल टू कि रख लो गे जीरो दे, जीरो दे इक्वल रख लियो, थोड़े को एक एवं दी इक्वेशन बन जूगी। हाँ इक्वेशन बन गई एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, बस वो आंसर हो जूगा। और बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x x x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, y y ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਓਕੇ ਬਾਏ 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 ਸਰ।